किनवट बोधड़ी के पास बोधड़ी खेत में पुलिस जांच में पता चला है कि जीजा ने अपने दोस्तों की मदद से भाऊजी की हत्या कर दी। किनवट कोर्ट ने चारों आरोपियों को 5 दिन की पुलिस हिरासत की सजा सुनाई है। रेलवे स्टेशन के पास खेत में रहने वाले राम महादेव केंद्र, उम्र 33 वर्ष की, शनिवार 13 तारीख को कुल्हाड़ी और पत्थर से बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा हत्यारों ने मृतक राम केंद्र को बूढ़ी माँ गयाबाई केंद्र को भी बुरी तरह पीटा था। गयाबाई केंद्र के बयान के आधार पर किनवट पुलिस ने अनजान हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज किया। डीएसपी रामकृष्ण मालाघने के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक देवीदास चोपड़े और उनके साथियों ने इस मामले में प्राप्त गोपनीय जानकारी के आधार पर जांच का पहिया तेजी से घुमाया। साला दयानंद जाय भाई को पुलिस ने पहले हिरासत में लिया और पुलिस ने जैसे ही उसे खाकी डर बताया उसने जुर्म कबूल कर दिया। दयानंद जायभाई का भाई राम दयानंद को अपने जमीन के पास जानवर चराने से रोक रहा था। शनिवार को इस वजह से दयानंद ने शनिवार की रात अपने साथी दयानंद जायभाई को काट देने का निर्णय लिया। शनिवार की रात दयानंद जायभाई ने साथीदार राजू रमेश गाड़ेकर, गणेश मनोहर मुस्चे वर्ष 27, नागेश उत्तम कराड़ वर्ष 33, सबगांव बोधड़ी के, इन्होंने बोधड़ी में एक ढाबे पर पार्टी करने के बाद उन्होंने राम केंद्र की हत्या की साजिश रची। इसके बाद आरोपियों ने राम केंद्र को इसके मोबाइल पर फोन कॉल किया और जैसे ही वह अखाड़े से बाहर आया उन चारों ने उसे बुलाया, सर पर पत्थर और कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद मुख्य आरोपी दयानंद जायभाई ने राम केंद्र की माँ के साथ भी मारपीट की। राम केंद्र की हत्या के बाद पुलिस को जानकारी मिली कि दयानंद और उसके तीन साथी मंगलवार को सुबह आषाढ़ यात्रा के लिए बंधड़ी से कार से पंढरपुर जा रहे थे। पुलिस ने सबको हिरासत में लिया।